गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ पोएम एंड स्टाइल्स ऑफ पोएम. अगर हम काइंड्स पूछें तो तीन प्रकार के होते हैं, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और लिरिकल. नैरेटिव जो पोएम होती हैं, अगर उनकी डिफिनेशन देखें तो टेल्स द स्टोरी ऑफ एन इवेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. किसी इवेंट की स्टोरी बताते हैं पोएम के फॉर्म में. डिस्क्रिप्टिव देखें तो डिस्क्राइब द वर्ड सराउंडिंग द स्पीकर. और अगर लिरिकल देखें तो जैसे सॉन्ग की लिरिक्स होती है वही चीज़ है, सॉन्ग्स थ्रू फीलिंग. अब अगर हम इसकी स्टाइल्स की बात करें, स्टाइल्स ऑफ पोएम तो बहुत सारे आपके होते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य यहाँ पे हमने अध्ययन किया है, फ्री वर्स है जो होता है, डोंट अलाउ एनी रूल. अगर कोई भी रूल नहीं अलाउ करता, कहाँ रिदम जा रही है, कहाँ आपके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं, लास्ट का जो टोन है नहीं मैच कर रहा, तो वो आपका फ्री वर्स कहलाता है. कपलेट जो आपका होता है, कपलेट की बात करें जाए तो टू लाइन्स ऑफ वर्स विच राइम एंड फॉर्म अ यूनिट अलोन और पार्ट ऑफ पोएम. मतलब ऐसी लाइंस होती हैं कि या तो यूनिट आपकी बनाती हैं, अलोन अकेले यूनिट बनाती है, या किसी पोएम का पार्ट होती हैं, तो वो आपके कपलेट कहते हैं. तो टू लाइंस कपल, याद रखिएगा, टू लाइंस की जो बात की गई है वो कपल, जैसे आपके दो होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होगा. इपिक की बात करी जाए तो इपिक जैसे आप ये ही आपके उपन्यास जो होते हैं, इपिक जैसे आपके रामायण, ठीक है, तो लेंथी और नैरेटिव होते हैं इपिक जो होते हैं. बैलेट जो होते हैं, म्यूजिकल राइम रिदम कैन बी संग, ऐसा रिदम जो गाया जा सके, ठीक है, ऐसे जैसे आपके लव सॉन्ग्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा रिदम होना चाहिए कि वो गाया जा सके. सोनेट जो होता है, सोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 लाइंस लाइन एंडिंग रिदम, मतलब उसमें लास्ट में जो लाइन एंडिंग होती है उसमें रिदम होता है, ठीक है. शेक्सपियर जो आपके थे उन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं. अब यहाँ देखिए, एक्रोस्टिक अगर बात की जाए, वन लेटर इन ईच लाइन स्पेल्स आउट ऑफ अ वर्ड और फ्रेज़ लाइक नेम. ऐसा कोई वर्ड उसमें बीच में यूज़ कर देता है, ऐसा कोई लेटर यूज़ कर देता है जो एकदम उससे अलग होता है, ठीक है. तो जैसे आप किसी का नाम, किसी का बर्थडे, कोई चीज़ बीच में रख देते हैं, वन लेटर इन ईच लाइन, बार बार उसको एक लाइन में एक लेटर आप रखते हैं, और स्पेल्स आउट ऑफ अ वर्ड और फ्रेज़, ठीक है. तो यहाँ पे इसको एक्रोस्टिक कहेंगे. ओडे, ओडे जो होते हैं, ठीक है, इसको कहेंगे लिरिकल पोएम विथ सीरियस सब्जेक्ट. ऐसा कोई सब्जेक्ट सीरियस है उस पर लिरिकल अगर पोएम लिखी जाती है जिसमें लिरिक्स हो, उसको गा भी सकें, तो आपका वो ओडे कहलाता है. फिर है आपका एलिगी. एलिगी जो है इसको आप कह सकते हैं सैड फॉर्म ऑफ पोएम, इसमें जैसे किसी की मृत्यु हो गई तब गाया जाता है, इस प्रकार से इसकी कुछ बहुत सारी इसके एग्जांपल भी हैं. जो उपन्यास सारे पढ़े होंगे आपने, बहुत सारे पोएम्स पढ़े होंगे, तो उसमें जिसमें डेड की बहुत ही सैड सिचुएशन की बात कही जाए, कोई किसी की मृत्यु हो जाए, तो इस प्रकार की सिचुएशन में इसको गाया जाता है. फिर है लिमरिक. अगर इसकी बात करें तो इसमें पांच लाइनें होती है, पहला दूसरा पांचवा लॉन्ग रिदम होता है, तीसरा चौथा शॉर्ट रिदम होता है. हैकू की बात की जाए तो इसमें तीन लाइन होती है, फर्स्ट में पांच लेबल्स और सेकंड में सात और थर्ड में पांच होते हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड में पांच पांच, बीच में सात होते हैं. फिर आपका जो बाकी है इसी में घूमता रहता है, और भी बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान नहीं देना है. अगर बाई चांस इससे अगर आपका प्रश्न पूछता है तो इसी में आपके प्रश्नों के ऑप्शन भी और उत्तर भी मिल जाएंगे. तो फिर से हम बात करें, फ्री वर्स है, कपलेट, इपिक, पैलेट, सोनेट, एक्रोस्टिक, ओडे, एलिजी और लिमेरिक, हैकू. तो ये कुछ आपके स्टाइल्स हैं पोएम की जो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर उसको संगठित किया गया है.